लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल। मैनपुरी जिले के विकास खंड घिरोर के ग्राम पंचायत तीसा में मजरा गांव नगला फेरती में आजादी के 70 साल बाद भी सरकार और न ही ग्राम प्रधान नहीं बनवा पाए एक गरीब का आशियाना। सरकारें वादे तो करती हैं, लेकिन आज भी गांव की गरीब इससे वंचित हैं। ऐसे ही एक महिला लक्ष्मी देवी पत्नी स्वर्गीय बलवीर सिंह ने बताया कि जब भी आवास के लिए शिकायत की या प्रार्थना पत्र दिया गया तो न सर्वे आई और न ही कोई अधिकारी, लेकिन उसकी रिपोर्ट लगा दी जाती है पक्के मकान की। अब तो गरीब जनता का कहना ही सरकार से भरोसा भी उठ गया है कि सरकार उन्हें आवास दे। मैनपुरी से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल की। मैं मौजूद अभी मैनपुरी जिले के विकासखंड घिरोर के ग्राम पंचायत तेसा। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, आजादी के 70 साल बीत चुके हैं लेकिन इतनी सरकारें आई और चली गई लेकिन एक गरीब का आशियाना नहीं बनवा पाए। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये कच्चा मकान बना हुआ है, मात्र 2 छप्पर रखे हुए हैं जिसमें एक गरीब घर आज भी मकान के लिए तरस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी वादा तो बहुत कर रहे हैं कि ग्राम विकास योजना का, लेकिन यहाँ तो ना विकास ही दिख रहा है ना योजना दिख रही है। हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ अंदर आएंगे कैमरामैन से कहेंगे, गरीब का घर है। तो देखिए ये है यूपी का विकास, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत तेसा में, विकासखंड घिरोर के ग्राम पंचायत तेसा में हम यूपी का विकास दिखा रहे हैं। देखिए यही इनका मकान है, आजादी के बीते 70 सालों में किसी भी प्रधान ने किसी भी सरकार ने इनको न तो घर दिलवा पाया है और ना ही इनका लिए कुछ अभी तक। आप इधर आएंगे, जरा दिखाएंगे अपना कैमरा से, इधर आओ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी देवी, तो आपके हस्बैंड लगभग कब एक्सपायर हो गए थे? हो गए। कितनी साल हो गई होंगी लगभग? 8 साल हो गए। आपने किसी से शिकायत की है इस मामले में? अच्छा, क्या बताया उन लोगों ने? तो पक्की मकान दिखा दिया। पक्का मकान लिखा दिया गया है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये पक्का मकान है। कैमरामैन से कहेंगे इधर चारों तरफ दिखाएं, एक कमरा इधर कच्चा बना हुआ था पिछली साल, ये इसकी भी शिकायत करी थी, उसे बताई थी। ये यहाँ पे कच्चा कमरा था, वो भी गिर गया है। तो जब इन्होंने शिकायत की इस मामले में, एप्लीकेशन वगैरह दी है, तो उसमें इंक्वायरी आती है, उसमें पक्का मकान दिखा दिया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, इधर भी देखिए कहाँ पे इनका पक्का मकान दिखाई दे रहा है। कैमरामैन से कहेंगे, ये देखिए ये पक्का मकान है, जब भी इंक्वायरी आती है तो आपने इनके घर के कुछ लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे, आप इधर आए जरा। आपने इस चीज के शिकायत नहीं की किसी से? शिकायत करी कही, और जो है ये आपकी कौन है ये बताएं? ये हमारी भाभी है। भाभी लगती है आपकी? तो आपने किसी सेक्रेटरी वगैरह से या सबसे ब्लॉक में किसी से की थी? हाँ। क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं, लखनऊ शिकायत थी, वो एक नंबर होता है उस पे जो किया शिकायत की जी, तो उस पे जो इंक्वायरी वहाँ से कॉल आई हमारे पास। अच्छा, शिकायत डाली जन समस्या पे? हाँ, जन समस्या पे शिकायत डाली थी, तो उन्होंने वहाँ से मेरे फोन पे कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप संतुष्ट हैं, आपका मकान तो पक्का है और जो है आप संतुष्ट हैं। इतनी कही मिली सर, इंक्वायरी आई नहीं है यहाँ, यहाँ पर कोई इंक्वायरी नहीं आई, ना कोई अधिकारी आए यहाँ पे, इंक्वायरी कहाँ से हो गई? मतलब आपका ये मकान पक्का दिखा दिया गया? पक्का दिखा दिया गया।